हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं बनाने वाली हूँ टू डिफरेंट टाइप ऑफ आइसक्रीम। फर्स्ट वन इज़ वनीला एंड सेकेंड वन इज़ स्ट्रॉबेरी। आज मैं ट्राई करने वाली हूँ कविताज़ किचन वनीला आइसक्रीम रेसिपी एंड वो सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करूँगी जो कविताज़ किचन ने अपने वीडियो के अंदर शो किए हैं। तो मैंने ये ले लिए सारी इंग्रेडिएंट्स। फर्स्ट इज़ अमूल फ्रेश क्रीम, सेकेंड इज़ नेस्ले कंडेंस मिल्क, थर्ड वन इज़ वनीला एसेंस। वनीला आइसक्रीम के साथ साथ मैं बनाने वाली हूँ स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम और उसके लिए ले लिए मैंने कुछ फ्रेश स्ट्रॉबेरीज। तो चलिए स्टार्ट करते बनाना एंड देखते हैं कैसा बनता है मेरा आइसक्रीम। तो सबसे पहले मैं ले लूँगी 200 ग्राम्स ऑफ अमूल फ्रेश क्रीम और उसे मैं बीट करूँगी हाई स्पीड के ऊपर। एंड आप मेक श्योर करें कि ये फ्रिज से निकालने के तुरंत बाद इसे यूज़ करें, इसको थोड़ी देर भी बाहर ना रहने दें। तो मुझे इसे हाई स्पीड पर 8-10 मिनट तक बीट करना है। जितना ज़्यादा इसे आप बीट करेंगे उतनी ही आपकी स्मूथ आइसक्रीम बनेगी और जैसे जैसे आप इसे बीट करते जाएंगे तो इसका वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा और ये थिक होता जाएगा। तो ये देखिए, ये इसका वॉल्यूम भी बढ़ गया है और ये थिक भी हो चुका है। अभी मैं मिक्स कर लूँगी कंडेंस मिल्क। ये 400 ग्राम्स का पैक है तो मैं हाफ पैक ले लूँगी, तो ये अराउंड 200 ग्राम्स हो गया। एंड इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो वनीला के साथ साथ मैं बना रही हूँ स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम और इसके लिए मैंने ले लिया अराउंड 6-7 फ्रेश स्ट्रॉबेरीज और इसे मैं सबसे पहले क्रश कर लूँगी। अभी जो मैंने मिक्सचर बनाया है फ्रेश क्रीम एंड कंडेंस मिल्क का, उसे मैं इक्वली इन दो कंटेनर्स के अंदर डिवाइड कर लूँगी और फिर उसके बाद मैं उसके अंदर ऐड करूँगी वनीला एसेंस, एक के अंदर और दूसरे के अंदर मैं ऐड करूँगी फ्रेश स्ट्रॉबेरीज और फिर मैं इसे मिक्स कर लूँगी अच्छे से। एक कंटेनर के अंदर मैं मिक्स करूंगी वनीला एसेंस 4-5 ड्रॉप्स और ज़्यादा एसेंस ना डालें क्योंकि बहुत ही स्ट्रांग होता है। एंड जो दूसरा वाला है उसके अंदर मैं ऐड करूंगी फ्रेश स्ट्रॉबेरी जो मैंने क्रश करके रखी है वो, और इन दोनों को मैं मिक्स कर लूंगी। तो ये अभी दोनों अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अभी बारी आती है क्लिंग फिल्म लगाने की। तो सबसे पहले मैं लगा दूंगी क्लिंग फिल्म और उसके ऊपर लगा दूंगी मैं उसका लिड और फिर इसे रख दूंगी फ्रीज़र के अंदर 10-12 आवर्स के लिए। तो दोनों के ऊपर मैं लगा दूंगी। अगर आप ये क्लिंग फिल्म नहीं लगाते तो इसके ऊपर एक लेयर बन जाएगी आइस की, तो अगर पॉसिबल है तो आप लगाइए क्लिंग फिल्म और फिर उसके ऊपर लिड लगाए, और आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। दोनों तैयार हो चुके हैं, अभी मैं इसे फ्रीज़र में रख दूंगी फॉर 12 आवर्स। सो 12 आवर्स के बाद में मैंने ये निकाल लिए फ्रीज़र से एंड ये है वनीला आइसक्रीम एंड ये जो सेकेंड वाला है वो है स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। तो इसे मैंने स्कूप के हेल्प से निकाल लिया है बोल के अंदर, दोनों एक एक स्कूप निकाले हैं। एंड बिलीव मी, ये बहुत ही टेस्टी बना है। ऐसा बिल्कुल भी टेस्ट करने के बाद में नहीं लग रहा है जैसे मैंने ये फर्स्ट टाइम बनाया। सो थैंक यू सो मच कविता, आपने इतनी अच्छी रेसिपी बताई, इतनी अच्छी रेसिपी शेयर की। तो मुझे तो ये रेसिपी बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छी लगी, मैं नेक्स्ट टाइम भी ज़रूर ट्राई करूंगी। एंड मुझे भी आप ट्राई करके ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर कि ये कैसी बनी आपसे। तो सी यू नेक्स्ट टाइम इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।